और इस बीच आपको बता दें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान हिसार के दौरे पर हैं और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने सोनाली को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। इस दौरान डॉक्टर सुशील गुप्ता, अशोक तंवर, अनुराग ढांडा सहित कई आपके नेता मौजूद रहे। तो सोनाली के परिजनों से मुलाकात की है अरविंद केजरीवाल ने, पंजाब के सीएम भी उनके साथ मौजूद थे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सोनाली के परिजनों को सांत्वना भी अरविंद केजरीवाल ने दी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, सोनाली के तमाम परिजनों से मुलाकात की। हम लोग सोनाली फोगाट जी के पूरे परिवार से मिले, उनकी जिस तरह से हत्या की गई है और जिन संदेहास्पद सर्कमस्टांसेस के अंदर उनकी हत्या हुई है, ये बेहद दुख की बात है। वो हमारे देश की बहुत जानी मानी हस्ती थी, हमारे देश की बेटी थी, हमारी बहन थी। पूरा परिवार इस वक्त बहुत ज्यादा सदमे में है। पूरे परिवार को लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। परिवार की भी मांग है, पूरे देश की भी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। एक मात्र दो मिनट के अंदर अगर वो निर्णय ले लें तो ये मामला जो है सीबीआई में जा सकता है, और सीबीआई में जाएगा तो इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो असली दोषी हैं वो सामने आएंगे। सीबीआई की जांच की मांग परिवार कर रहा है और तीनों जगह पे, केंद्र में, गोवा में और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो मुझे नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आती कौन रोक रहा है। वैसे तो सीबीआई भेजने में एक मिनट नहीं लगाते, लेकिन अगर कोई ऐसी जांच करनी हो तो पता नहीं क्यों मामले को दबाया जा रहा है। लेकिन देश की बेटी थी, पार्टी जो मर्जी हो, विचारक मतभेद चलते रहते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, पर देश की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, ताकि परिवार वालों को ये तसल्ली हो जाए और उनका उनको ये लगे कि हाँ इस देश में न्याय हो। इधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिलने के बाद सोनाली के भाई ने कहा कि केजरीवाल ने सीबीआई जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने यही बोला, भी हरियाणा की सीएम आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, हम भी सीबीआई की मांग के लिए आपके साथ हैं। केजरीवाल जी ने कहा भी हरियाणा की सीएम आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, हम भी सीबीआई की मांग रखेंगे आपके लिए। यही बोला जी, उन्होंने यही बोला।